नमस्ते विद्यार्थी मित्र, पाठक स्कूल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी विषय में कक्षा 3 में पाठ 4 के बारे में समझ प्राप्त करेंगे। पाठ 4 का नाम है सही शब्दों की पहचान, साचा शब्दों की ओळख। प्रश्न 1 देखते हैं। सही शब्दों के सामने सही का चिन्ह लगाओ, खरा शब्दों के सामने खरा नु चिन्ह करो। यहाँ पे हमें कुछ चित्र दिए हुए है और उसके सामने उसके 3 शब्द है। जैसे कि यहाँ पे तोता का चित्र है और उसके सामने उसके 3 शब्द हैं, मोर, तोता और कौवा। यहाँ तोता का चित्र है इसलिए तोता शब्द के सामने हमें सही का चिन्ह यहाँ लगाया हुआ है, वैसे लगाना है। और अब हम आगे देखते हैं। दूसरा चित्र है गाय का। गाय के सामने 3 शब्द है, गाय, घोड़ा, बकरी। तो यहाँ हमें गाय के सामने सही का चिन्ह लगाना है। फिर त्रिशूल, तीर, बंदूक। तो यह तीर है इसलिए हमें तीर के सामने सही का चिन्ह लगाना है। फिर है तबला, पखार, डमरू। तो यह डमरू है इसलिए डमरू के सामने सही का चिन्ह लगाना है। कार, स्कूटर, रिक्शा। रिक्शा के सामने सही का चिन्ह आएगा। लकड़ी, पेंसिल, बेट। बेट के सामने आएगा। करेला, भिंडी, बैंगन। बैंगन के सामने आएगा। डाकिया, सैनिक, डॉक्टर। डॉक्टर के सामने आएगा। मगर, मछली, छिपकली। मछली के सामने आएगा। गुलाब, मोगरा, सूर्यमुखी। यह सूर्यमुखी का फूल है इसलिए सूर्यमुखी के सामने आएगा। रजाई, झंडा, धजा। झंडा के सामने आएगा। बिल्ली, चूहा, शेर। बिल्ली के सामने सही का चिन्ह आएगा। अब हम प्रश्न 2 देखते हैं। सही शब्दों के सामने सही का चिन्ह लगाओ, खरा शब्दों के सामने खरा नु चिन्ह करो। जैसे हमने प्रश्न 1 में देखा वैसे ही यहाँ पे हमें करना है। सही चित्र के सामने सही शब्द को खोजकर हमें यहाँ पे सही का चिन्ह लगाना है। चलिए देखते हैं प्रश्न 2। वर्ग, त्रिभुज, पतंग। यह पतंग है इसलिए पतंग के सामने सही का चिन्ह आएगा। गुड़िया, गुड़िया, खिलौना। गुड़िया के सामने आएगा सही का चिन्ह। राजा, रानी, राजकुमार। रानी के सामने आएगा। तारा, चंद्रमा, सूर्य। सूर्य के सामने सही का चिन्ह आएगा। नाव, जहाज, नारकी। नारकी के सामने आएगा। बंदर, गधा, शेर। बंदर के सामने आएगा। सेब, अमरूद, शरीफा। यह सेब है सेब इसलिए सेब के सामने सही का चिन्ह आएगा। वैन, कार, ट्रक। कार के सामने सही का चिन्ह आएगा। तीर, बंदूक, पिस्तौल। यह बंदूक है इसलिए बंदूक के सामने सही का चिन्ह आएगा। गेंद, गोली, अंडा। अंडा के सामने सही का चिन्ह आएगा। कमल, गुलाब, गेंदा। गुलाब के सामने आएगा। कलाई घड़ी, दीवार घड़ी, टेबल घड़ी। यह घड़ी कलाई पर पहनी जाती है इसलिए इसे कलाई घड़ी कहते हैं, इसलिए कलाई घड़ी के सामने सही का चिन्ह आएगा। प्रश्न 3 देखते हैं। खाली स्थान में उचित वर्ण रखकर नाम पूर्ण करो, खाली जगह में योग्य अक्षर मुकीने नाम पूरु करो। यहाँ पे हमें कुछ शब्द दिए हुए है, उसके नीचे उसका चित्र है और यहाँ पे नीचे खाली जगह है। खाली जगह में जो वर्ण नहीं है वो हमें यहाँ लिखकर नाम पूरा करना है। जैसे कि यहाँ पे गाय दिया हुआ है, उसके नीचे उसका चित्र है और यहाँ पे गा वर्ण नहीं है इसलिए हमें यहाँ पे गा लिखकर गाय शब्द पूरा करना है। वैसे ही बकरी, बकरी में री नहीं दिया हुआ है वैसे हमें री यहाँ पे लिखकर बकरी शब्द बनाना है। वैसे शिक्षक, वैसे पुलिस, वैसे ही कुम्हार, फिर संतरा, फिर मटर, सेब, अमरूद, अंगूर, लौकी, आलू, बैंगन, भैंस, ऊंट, डाकिया, डॉक्टर, दर्जी, हलवाई, बढ़ई। तो हमने प्रश्न 3 भी देखा। अब हम स्वाध्याय की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए हम स्वाध्याय देखते हैं। स्वाध्याय में प्रश्न 1, चित्रों को उनके नाम के साथ रेखा खींचकर मिलाओ, चित्रों ने तेमना नाम साथे लीटी दोरी ने
जोड़ो। यहाँ पे हमें कुछ चित्र दिए हुए हैं और उसके सामने उसके सही नाम दिए हुए हैं। उसमें से जो चित्र के सामने सही उसका नाम है उसके साथ उसे छोड़कर उसे मिलाना है। जैसे कि यहाँ पे मछली का चित्र है तो हमें यहाँ पे मछली ढूंढकर उसके सामने उसे जोड़ना है। तो यहाँ हमें मछली के चित्र को मछली शब्द के साथ जोड़ना है। फिर है डिबिया, डिबिया के साथ जोड़ना है। फिर आम, आम के साथ जोड़ना है। फिर खिड़की के साथ। फिर यह तितली है इसलिए तितली के साथ इसे जोड़ना है। और फिर है ककड़ी, तो ककड़ी शब्द के सामने इसे जोड़ना है। प्रश्न दो, उदाहरण के अनुसार शब्द बनाओ और लिखो। उदाहरण मुजब शब्द बनाओ अने लखो। यहाँ पे हम पहला देखते हैं, यहाँ कुछ आधे अधूरे शब्द दिए हुए हैं। उसके सामने वर्तुल में एक वर्ण है, उसके साथ उसे जोड़कर एक शब्द बनाना है और वह सामने खाली जगह में लिखना है। जैसे कि कछु दिया हुआ है और उसके साथ उसे हमें आ को जोड़ना है, तो क्या शब्द बनेगा? कछुआ, वो यहाँ पे हमें दिया हुआ है। वैसे हमें मछु को आ के साथ जोड़ना है, तो कौन सा शब्द बना? मछुआ, तो वैसे हमें मछुआ यहाँ पे लिखना है। फिर बटुआ, बटुआ शब्द हमें यहाँ पे लिखना है। फिर है महुआ, तो महुआ शब्द बना, वो हमें यहाँ पे लिखना है। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा जो है प्रश्न, उसमें हमें वर्तुल आगे दिया हुआ है और जो शब्द अधूरे है वो पीछे है। ऐसे हमें ई दिया हुआ है, तो ई को मान के साथ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? ईमान, ईमान हमें यहाँ दिया हुआ है। वैसे हमें ई को साई के साथ जोड़ना है, तो क्या बनेगा? ईसाई। फिर ई को ख के साथ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? ई और ईरान। वैसे हम देखेंगे तीसरा, तीसरे प्रश्न में भी जो दूसरा है वैसे ही है। जैसे कि ब को गुला के साथ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? बगुला। वैसे ब को तक के साथ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? बतख। फिर है बरसात और फिर है बकरी। तो देखा बच्चों, आज हमने पाठ चार की समझ प्राप्त की। अगले वीडियो में हम अगले पाठ के बारे में समझ प्राप्त करेंगे। नमस्कार।